Good morning, students. Hello, I hope you are well and good at your home. Today in this section, we are going to discuss about seed and fruit formation. After fertilization, जैसे इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये process initiate कैसे होता है. Fertilization के बाद, after fertilization, you know, हमारे पास दो structures हमें मिलते हैं. Double fertilization हमने देखा था, ठीक है. Double fertilization के बाद हमें दो structure मिलते हैं. एक होता है zygote और दूसरा होता है primary endosperm nucleus, that is PEN. हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में. सो zygote जो है फ्यूचर में आगे चलकर, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा. डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन टू टू कॉम्पोनेंट, वन इज zygote एंड अदर इज एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. zygote फर्दर डेवलप्स इन टू एम्ब्रियो. zygote एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है. एंडोस्पर्म क्या करता है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है, ठीक है. ये नॉरिशमेंट इसको दे रहा है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओवरी है, दैट डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स. ये प्रोसेस वहां पे होता है, ठीक है. ये बात ध्यान रखिए आप, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट. अंडरस्टैंड? तो एंडोस्पर्म का बेसिकली काम यही है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना. अब ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, ड्यूरिंग नॉरिशमेंट पीरियड, एंडोस्पर्म कुछ सीड्स में तो पूरी तरह क्या हो जाता है, खपत हो जाती है एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा है. तो कुछ में क्या है, तो एंडोस्पर्म पूरी तरह खपत हो जाएगा. पहले हमने थोड़ी सी इसकी बात की थी, एंडोस्पर्म पूरी तरह खा लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा. ऐसे में वहाँ पर क्या होता है, कोई भी मतलब एंडोस्पर्म बाकी नहीं रहता है. ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस और नॉन एल्बुमिनस. अंडरस्टैंड? नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स हम उन्हें बोलते हैं जिनमें पूरी तरह क्या है, खा लिया गया है एंडोस्पर्म. जैसे ग्राम है, पी है, ग्राउंडनट है. सो पूरी तरह खपत हो गई है उसकी. नेक्स्ट क्या आता है, अगर वहां परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे क्या, एंडोस्पर्म पूरी तरह खाया नहीं जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, पूरी तरह उसकी खपत नहीं होती है. इट परसिस्ट इन द डेवलप्ड सीड. सो दैट दोज सीड्स आर बेसिकली नोन एज एंडोस्पर्मस सीड्स, एंडोस्पर्मस, और उनको कह सकते हैं एल्बुमिनस. एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं जिनमें क्या है, परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, हमने देखा मेज है, कोकोनट, वीट एटसेट्रा. सो दीज आर एंडोस्पर्मस सीड्स और एल्बुमिनस सीड्स. इनमें क्या है, परसिस्ट करेगा, इनमें जो हमारा एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करेगा आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ओके, वो हमें दिखाई देगा. इट इज स्टोर्ड एज अ फूड बेसिकली. वो क्यों रहता है वहां पे, इज स्टोर्ड एज अ फूड, स्टार्च के फॉर्म में रहता है वो. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में ये स्टोर हो जाता है जो एंडोस्पर्म है, ठीक है. एक केस और है यहां पे, इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. अब पेरिस्पर्म अलग है. पेरिस्पर्म क्या है, व्हेन न्यूसिलर सेल्स परसिस्ट. ये मैंने पहले मैं आपको डिस्कस किया था, जो रेजिड्यूअल न्यूसिलर सेल्स, न्यूसिलस सेल्स विच परसिस्ट्स इन द सीड. सीड डेवलप्ड सीड के अंदर ये पाया जाता है न्यूसिलस सेल्स, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं. ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब सीड पूरी तरह डेवलप हो गया है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, न्यूसिलर सेल्स. जो न्यूसिलस सेल्स हैं वो परसिस्ट करेंगी, वो रहेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर
इसमें रहता है, कॉफी में रहता है, कैस्टर में रहता है, इनमें क्या है, ये परसिस्ट करता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, कहा जाता है उसको बेसिकली स्टूडेंट्स, इट इज टर्म्ड एज पेरिस्पर्म। ओके नेक्स्ट, अब क्या है, हमने देखा था एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। सीड के बाहर दो कोट होंगे, एक इनर जो है टेस्टा, आउटर टेगमेन, ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक है, दो है यहाँ पे, सॉरी आउटर टेस्टा इनर टेगमेन, दो लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स कहाँ से डेवलप होती हैं, ये लेयर्स डेवलप होती हैं आपके इंटीग्यूमेंट्स से। एम्ब्रियो सैक में आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्स के बारे में, तो दोनों इंटीग्यूमेंट्स हैं, दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, तो जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो तो बना देता है टेगमेन और आउटर इंटीग्यूमेंट बना देता है टेस्टा। तो किसी भी सीड के, यानी आप ये कह सकते हो आफ्टर डेवलपमेंट इंटीग्यूमेंट्स डेवलप्स इनटू इनर सीड लेयर दैट इज टेगमेन एंड आउटर सीड लेयर टेस्टा एंड टेगमेन, ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड। नाउ एक और फंडामेंटल प्रोसेस है जो सीड में होता है, दैट इज नोन एज डोरमेंसी। डोरमेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं डोरमेंसी क्या है। डोरमेंसी इज द इनएक्टिविटी ऑफ द सीड, इनएक्टिविटी कह सकते हो आप, ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ सीड यानी एम्ब्रियो का इनएक्टिव स्टेट में चले जाना, टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में चले जाना, दैट इज नोन एज डोरमेंसी। जो सीड है दैट मूव्स इनटू अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, दैट इज नोन एज डोरमेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा सीड के अंदर तो किसानों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे, अब मान लीजिए डोरमेंसी नहीं है, किसान हार्वेस्ट करके खेत से लेके आया, अनाज लेके आया और उसने लाके स्टोर किया तो पता चला वो तो उगने लग गया है। तो एवरी सीड हैज इट्स डोरमेंसी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डोरमेंसी का, वो जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। सीड को जब तक क्या है प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगे, मॉइस्चर का, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का, तब तक क्या है ये जर्मिनेट नहीं करेगा, ये इनएक्टिविटी स्टेट रहेगी, उस स्टेट को हम बोलते हैं डोरमेंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी कुड नॉट एबल टू यूज द सीड्स, इवन हम यूज ही नहीं कर पाएंगे अगर ये डोरमेंसी वाली स्टेज नहीं होगी। अंडरस्टैंड, अलग अलग जो सीड्स है उनका अलग अलग डोरमेंसी पीरियड होता है बच्चों, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोरमेंसी पीरियड, ठीक है, जब उन्हें मिल जाता है पूरा कंडीशंस मिलेंगे तो ये क्या है एक्टिविटी स्टेज में क्या है फिर आ जाते हैं। तो डोरमेंसी इज बेसिकली अलग अलग स्टेजेस जो हैं उनके लिए आता है डोरमेंसी, अलग अलग मतलब यू कैन से कि अलग अलग जो सीड्स हैं उनमें अलग अलग डोरमेंसी पीरियड यहां पे देखने को हमें मिलता है। देन नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं जो वायबिलिटी ऑफ सीड है, वायबिलिटी ऑफ सीड। अब वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब क्या है, वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब है एबिलिटी टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। एबिलिटी टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, जो सीड जब डोरमेंट स्टेज में चला गया है, ठीक है, उसमें वापस से रीग्रो होने की, सीड को जमीन में आपने लगा दिया, उसकी रीग्रोथ होने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वायबिलिटी बोलते हैं। भाई कितने समय तक भाई इस सीड को हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बाद में जब जमीन में लगाएंगे तो ये उग जाएगा, तो वो उसकी क्या होती है, वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी मीन्स द सीड टू रिटेन इट्स जर्मिनेटिंग पावर, कब ये अपनी पावर जो रीजनरेटिंग पावर है, जो रीग्रोथ पावर है, जब जमीन में लगाएंगे तो उग सकेगा, कितने समय तक ऐसा ये रह सकता है, दैट इज वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अलग अलग सीड की वायबिलिटी भी अलग अलग ही होती है, डिफरेंट सीड्स हैव डिफरेंट वायबिलिटी पीरियड्स। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं वायबिलिटी के केस में, एक हम कहते हैं, आप ये कह सकते हो सेवरल हंड्रेड ईयर्स भी इसका वायबिलिटी पीरियड हो सकता है। एक सीड है यहाँ पे ल्यूपिनस,
लिपनेस एक पाइन का पेड़ है, ये बीज जो है वो टुंड्रा प्रदेश में मिला था, बेसिकली टुंड्रा प्रदेश में ये सीड मिला और बाद में इसको जब लगाया गया तो ये उग गया, तो इसका वायबिलिटी पीरियड 10,000 साल पुराना बताया जा रहा है। ल्यूपाइन का पेड़ है ये, ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस एरेक्टस, ठीक है। इट वॉज हैविंग अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड, अंडरस्टैंड, 10,000 ईयर ओल्ड, इतना पुराना इतना वायबिलिटी पीरियड। एक और एग्जाम्पल यहां पे है, ये मिला था जो आप ये कहते हैं डेड सी के नजदीक किंग हेरड का एक आप कह सकते हैं मकबरा था या कोई जगह थी किंग हेरड की, वहां पे ये बीज मिला था, ये है फिनिक्स का, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये टुंड्रा प्रदेश में वहां पे, सॉरी ये वहां आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिला था जो फिनिक्स है, ये किंग हर्ड का पहले डेड सी के नजदीक मिला था ये। इसका जो वायबिलिटी पीरियड 2000 साल बताया जा रहा है, 2000 साल इसको जब लगाया गया तो ये उग गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये जब इसकी डेटिंग कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता लगा कि ये 2000 साल पुराना है, तो आप समझ सकते हैं कितना वेरी कर सकता है वायबिलिटी पीरियड किसी सीड का, कई सैकड़ों सालों तक जो सीड है वो वायबल हो सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ल्यूपिनस आर्कटस, 10,000 ईयर ओल्ड और ये 2000 साल आप कह सकते हैं यहाँ पे पुराने हैं और वायबिलिटी है इनके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ सीड भी देख लेते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंस कह सकते हो, इंपॉर्टेंस कह सकते हो, सीड का क्या इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमने देखा कि एग्रीकल्चर में तो है ही है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन डिस्पर्सल में, सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्सल एंड डॉर्मेंसी आप ले सकते हो, भाई डॉर्मेंसी है तो डिस्पर्सल है, सीड डॉर्मेंट हो जाता है, बाद में जब डिस्पर्स मतलब फैल जाएगा किसी न किसी एजेंसी की मदद से, हवा है, पानी है, जानवर है, उसकी मदद से इधर उधर जा सकते हैं, और फिर जब उसे कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी टेम्परेचर की, वाटर की, तो उगना शुरू हो जाएगा। तो डॉर्मेंसी एंड डिस्पर्सल, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, ठीक है। फिर एक और है रिजर्व फूड, फूड मटेरियल को रिजर्व कर सकते हैं ये, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीट है, मेज है, जो हम गेहूं है, ये सब जो खा रहे हैं, चावल है, ये सब क्या, देयर आर सीड्स और हम उन खाते हैं बिकॉज उनके अंदर क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। देन स्टोरेज कर सकते हैं क्योंकि डॉर्मेंसी है, ठीक है, स्टोरेज का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, डॉर्मेंसी, हर एक सीड डॉर्मेंसी के पीरियड में चला जाता है तो हम उसको स्टोर भी आसानी से कर सकते हैं, भी खेत से ले आए और जब तक मर्जी है उसको स्टोर करके हमने रख लिया, वेन एवर नीडेड हम उसे यूज कर लेते हैं, तो स्टोरेज वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, वो भी बहुत एक अच्छा है सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भी स्टोर करना आसान है सीड्स को, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरिएशंस, वेरिएशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीड जितनी भी सीड्स होती हैं वो सारी किससे फॉर्म होती हैं, दे आर ऑल फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो दो जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज आपस में कंबाइन होती हैं, मतलब जो उसकी स्पीशीज की प्लांट है वो दो अलग अलग जीनस के अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के दो प्लांट्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होते हैं और उनसे नई वेरिएशंस आती हैं, नया प्लांट बनता है उसमें अलग वेरिएशंस होंगे, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर, तो उससे क्या है चेंजिंग एनवायरमेंट और उसमें आता है। और दूसरी बात कि हम ये वेरिएशन का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, बेटर याइल्ड वाले प्लांट्स को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट इज अराउंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि वेरिएशन लाई जा सकती है सीड्स के अंदर। इनमें हम विटामिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोई ऑयल वाला पौधा है तो ऑयल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल, इनमें विटामिन वगैरह की मात्रा बढ़ा सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मेथड्स, तो वेरिएशंस पॉसिबल है, स्टोरेज हो सकती है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबसे पहले यही है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड्स होंगे तभी एग्रीकल्चर होगा ऑब्वियसली, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, हमने देखा डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। नाउ सी
द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिकली फ्रूट का हम देख लेते हैं. फ्रूट का सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, फ्रूट, फ्रूट डेवलपमेंट, मतलब पहले फ्रूट का फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि फ्रूट फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. फ्रूट कहाँ से बन रहा है, मैंने बताया कि ओवरी, जब फर्टिलाइज ओवरी डेवलप करके क्या बनाती है बच्चों, फ्रूट बनाती है. ये चीज आपको पता है, फर्टिलाइज्ड जो ओवरी है वो डेवलप करके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी. अंडरस्टैंड? तो जो ओवरी की वॉल होती है, आप देखो डेवलपमेंट कैसे, वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी वो क्या बनाती है, कवरिंग ऑफ फ्रूट बनाती है. कवरिंग ऑफ फ्रूट में डेवलप होती है और इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प. क्या बोलेंगे? पेरिकार्प बोलेंगे. ठीक है, सबसे बाहर वाला हिस्सा फ्रूट का, सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है. ठीक है, फ्रूट का जो सबसे बाहर वाला ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज पेरिकार्प. पेरिकार्प बोलते हैं. तो पेरिकार्प में कौन डेवलप हो गया, ओवरी की वॉल किस में डेवलप होगी, पेरिकार्प में डेवलप हो गई है. अब जनरली क्या है, जब ओवरी डेवलप करती है तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स देखो डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है, अब इसे फ्रूट्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे. अंडरस्टैंड? दो टाइप के फ्रूट्स कौन से हैं, फ्रूट आर टू टाइप्स, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. अब ये ट्रू फ्रूट कौन है, ट्रू फ्रूट वो है जिसमें प्योरली क्या है, ओवरी जो है, प्योरली ओवरी इज गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, दैट इज ट्रू फ्रूट. सिर्फ ओवरी ही पार्टिसिपेट कर रही है फ्रूट फॉर्मेशन में, वो हमारा क्या होता है, ट्रू फ्रूट होता है. बट इन सर्टन केसेस, इन सर्टन केसेस, जैसे एप्पल है फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, इनमें क्या होता है, थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स, थैलेमस, थैलेमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट्स, पार्टिसिपेट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस या उसके अलावा और भी पार्ट्स क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में. ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है, एप्पल है, फॉल्स फ्रूट में आता है एप्पल. आप समझ रहे हैं बात को, थैलेमस या अदर फ्लोरल पार्ट्स अगर हिस्सा ले लेते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. और जिनमें सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करिए, दैट इज नॉट ए ट्रू फ्रूट. एक और टाइप है यहां पर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं फ्रूट्स डेवलप्ड, फ्रूट्स डेवलप्ड बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट डेवलप करते हैं, दोज फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल बनेना, बनेना है, बनेना इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस नहीं होगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? विदाउट फर्टिलाइजेशन दे डेवलप, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. और ऐसे फ्रूट्स विदाउट सीड होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिए, दे आर सीडलेस, दे आर सीडलेस. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, दे आर सीडलेस फ्रूट्स, ये हमेशा सीडलेस होते हैं. ठीक है जी, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. आजकल तो आर्टिफिशियल तरीके से भी सीडलेस डेवलप किए जा रहे हैं फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स आर्टिफिशियल भी. जैसे आजकल ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स आ रहे हैं, सीडलेस वाटरमेलन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, सर्टन और प्रोसीजर में चल रहा है ऐसा. तो सीडलेस होते हैं ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यहाँ पे देखा. ठीक है, और सिग्निफिकेंस आप समझ ही सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है खाने के लिए, वो भी ग्लूकोज का अच्छा सोर्स है क्योंकि मीठे होते हैं, दे आर ग्लूकोज, बेटर गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज वगैरह वगैरह. सो दीज आर द बेसिक यूजेस, सिग्निफिकेंस यू कैन से, इंपॉर्टेंस यू कैन से. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.